अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। बरए मेहरबानी हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर कर दिया करें। सबसे पहले आपसे बात करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला से जब मैं दुआ करती हूँ तो आमीन ज़रूर कहा करें, ना जाने किसकी आमीन से किसी की ज़िंदगी संवर जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे हबीब के सदक़े, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें अपने घर से अता फरमाए, हमें कभी किसी का मोहताज ना करिए, ना माली ना जिस्मानी ना जहनी। अल्लाह अपने घर से इतना अता फरमाए और हमें इस काबिल बना दे कि हम जिस दर्दमंद को देखें उसकी मदद कर सकें, आमीन। सबसे पहले आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, टॉपिक ये है कि अपने रिश्तों को मज़बूत बनाना और उनको ज़्यादा वक्त उनके साथ अच्छे तरीके से गुजरे कि हम में कोई तल्ख कलामी ना हो, तो क्या करना चाहिए। इंसान को चाहिए कि अगर कोई गुस्से में किसी से कुछ बोला जाए, उसको गुस्से में एक बात कह दे तो उसको बर्दाश्त कर लिया जाए। बर्दाश्त करने से रिश्ते बचते हैं। आप यकीन करें, अगर आप उनको उसी वक्त कुछ सख्त तल्ख और सख्त अल्फाज बोलेंगे, तल्ख कलामी करेंगे, तो आपके जो रिश्ते हैं ना उनमें वो जो मज़बूती है ना, वो जो उसमें चाहत होती है वो कम हो जाएगी। आप कोशिश करें कि ऐसा करने से गुरेज करें, और अगर कोई गलती हो भी जाती है, इंसान है सब, इंसानों से गलतियाँ होती हैं, तो उन्हें नज़रअंदाज करना सीखें और माफ़ करना सीखें। आप यकीन करें ऐसी ज़िंदगी में बहुत सुकून और इत्मीनान, और आपके रिश्ता भी बहुत मज़बूत रहेगा।